राजकुंद्रा की एक छोटी सी भूल ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर वो छोटी सी गलती ना हुई होती तो पुलिस कुंद्रा को कभी नहीं पकड़ पाती। इस साल 4 फरवरी को मुंबई पुलिस को एक शिकायत मिली कि कुछ लोग पॉर्न मूवीज बनाकर भेजते हैं। पुलिस ने इस मामले को खुद ना देखते हुए इसे सीधा क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली कि मुंबई के मड आइलैंड इलाके में एक बंगला है जिसमें कुछ लोग शूटिंग करते हैं। क्राइम ब्रांच ने जब वहां छापा मारा तो उनके होश फाकता रह गए। वहां पॉर्न मूवीज की शूटिंग चल रही थी। तब पूछताछ में पहली बार एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया। पुलिस ने जितने भी लोगों को पकड़ा उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि उनका बॉस राजकुंद्रा है। पुलिस की पूछताछ में गहना ने उमेश कामत का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने उमेश को उठा लिया, लेकिन तब तक ऊपर सब कुछ कंट्रोल कर रहे राजकुंद्रा को लगा कि और मामलों की तरह पुलिस इसे भी कुछ दिनों में बंद कर देगी। उमेश ने पुलिस के सामने राजकुंद्रा का नाम उगल दिया। इसे सुनकर तो पुलिस के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस चुप बैठी रही। उधर राज ने दूसरी जगह फिल्मों को शूट करवाना शुरू कर दिया। इधर पुलिस ने धीरे धीरे ट्रैकिंग शुरू की। राज को लगा कि उनका बाल भी बाका नहीं होगा और यह मामला कुछ ही दिनों में दब जाएगा। बस इसी बात का फायदा पुलिस ने उठाया और किसी को खबर लगे बिना धीरे धीरे सबूत जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो गए तो उन्होंने कुंद्रा के घर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर उमेश के पकड़े जाने पर कुंद्रा अलर्ट हो गए होते तो वो आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते। उनकी एक छोटी सी भूल ने उन्हें जेल के पीछे भेज दिया। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।